मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप नहीं कहा, वो कानून उन्होंने वापस तब लिए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। बहनों और भाइयों, जब चुनाव दिखने लगा तो अचानक कानून वापस ले लिए। जब 600 किसान शहीद हो रहे थे तब कुछ नहीं किया। जब आपका मंत्री, इनकी सरकार का मंत्री उत्तर प्रदेश में और उसका बेटा जीप के पहियों के नीचे किसानों को कुचल रहा है तो आप मंत्री को बचा रहे हो, उसके बेटे को बचा रहे हो। मैंने जाने की कोशिश की उनके परिवार से मिलने के लिए, मुझे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जिसने किसानों को कुचला। ये सरकार चल रही है तो अब ये सारी बातें आपके सामने हो रही हैं। मैंने आपको कहा देश की परिस्थिति समझो किस तरह की स्कीमें आ रही हैं, किस तरह से देश की सरकार बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है, और फिर अपने अनुभव को समझो। अरे रोज सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने निकलते हो, क्या मिलता है? कोई मोदी जी टीवी में से निकल के आपको नौकरी दे रहे हैं? दुकान जाते हो, मोदी जी कहते हैं चुनाव आ रहा है, लो गैस सिलेंडर में से 200 माफ। 200 माफ? 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हो आप? कहते हम बड़ी स्कीम लाए महिलाओं के लिए। बहनों सुनो, कहते लो फॉर्म भरो, 1200 रुपए आपको दिलवाएंगे। आपको कहना चाहिए 1200 रुपए में मैं क्या खरीद पाऊंगी एक सिलेंडर आज के दिन में। कांग्रेस पार्टी स्कीम लाई है, 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1,00,000 रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। मोदी जी 10 सालों से आपको यहाँ पे इवेंटबाजी दिखा रहे हैं, लेकिन वो 30 लाख पद नहीं भर पाए। इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, मैं पहले कह रही थी इनके जो नेता हैं कहते हैं कि अरे वाह मोदी जी जैसा कोई नहीं, ऐसे चुटकी बजाएंगे सारे जंग बंद हो जाएंगे दुनिया में। वाह, तो चुटकी बजाएं, रोजगार दें, चुटकी बजाएं, महंगाई कम करें, चुटकी बजाएं, नया अस्पताल बना के दें आपको, संस्थाएं बनाएं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे कांग्रेस के जितने भी नेता रहे प्रधानमंत्री उन्होंने बनाए, IIT, IIM, AIIMS, ये सब किसने बनाया? ये चुटकी बजाते रहे और आप खाई में रहे और खड़े रहे, आप संघर्ष करते रहे, आप गरीबी में धंसे रहे, आपको मदद करने के लिए नहीं आए। ये बात समझ लीजिए भाई और बहनों, आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं। एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम।
मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, आपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका